हे गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग यहाँ पर होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपने रूम्स की जो लाइट्स होती हैं उनको कंट्रोल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की आप लोगों को यहाँ पर जरूरत होगी। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक होल्डर, एक बल्ब और एसी वायर चाहिए। मैं फिलहाल यहाँ पर एक ही बल्ब को कंट्रोल करने वाला हूँ, इसलिए मैं एक ले रहा हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल बल्ब्स भी ले सकते हैं। अब इस बल्ब की स्विचिंग के लिए हम लोगों को एक स्विच की जरूरत होगी, तो यहाँ पर मैं एक रिले को यूज करने वाला हूँ। रिले का कंसेप्ट क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये मैं इससे पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आप रिले वाली वीडियो को जरूर देख लें, उससे आप लोगों को यहाँ पर समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को जरूरत होगी एक सेंसर की, जो आप लोगों की लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक LDR को यूज करने वाले हैं। LDR का कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल LDR के साथ आप लोगों को एक 10K के रेजिस्टेंस की भी जरूरत होगी, और इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को ब्रेडबोर्ड की भी जरूरत है। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्रेडबोर्ड को यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सर्किट है मैंने 0 PCB में इंप्लीमेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आप लोगों के टर्मिनल्स होंगे, एक आपका VCC है, एक आपका आउटपुट है और एक आपका ग्राउंड है। तो आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली ये जो सेंसर है इसको आप अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एटमेगा 8 डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये आप लोगों का माइक्रो कंट्रोलर है जो कि एटमेगा 8 है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग वायर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये आप लोगों के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसकी आप लोगों को जरूरत है इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं LDR की वर्किंग को। LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये बेसिकली कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ होता है, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग कैडमियम सल्फाइड सेल भी बोलते हैं। LDR एक पैसिव कंपोनेंट है, और इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग फोटो कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। LDR की मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब कि अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब कि जो भी लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। और इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी फोटो रेजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है फोटोन्स पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों का एक LDR है, और ये ग्राफ है रेजिस्टेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बीच में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस समय एकदम डार्कनेस होगी उस समय हम लोगों का जो रेजिस्टेंस होगा वो एकदम हाई होगा, और जैसे जैसे हम लोगों का यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, वैसे वैसे हम लोगों का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों के LDR का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस सर्किट का सिमुलेशन करके। यहां पर हम लोग एक LDR लेंगे। LDR के एक टर्मिनल को हम लोग VCC दे देंगे, और इसकी जो दूसरी टर्मिनल होगी इसको हम लोग 10K के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर देंगे। अब जहां पर हम लोगों का LDR और रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहां से हम लोग एक आउटपुट लेंगे जिसको ADC चैनल 1 को हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। यहां पर मैं वोल्टेज भी मेजर करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने एक वोल्ट मीटर लिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को यहां पर एक रिले लेना है। रिले को मैंने डायोड और ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास रिले का पूरा मॉड्यूल है तो आप लोगों को डायोड और ट्रांजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोग सिंपल रिले को यहां पर यूज कर रहे हैं तो डायोड और आपको ये ट्रांजिस्टर लगाना जरूरी है। इसके बाद कनेक्शंस देख लेते हैं हम लोग अपने रिले के। देखिए, आप लोगों का यहाँ पर ये बेस है, ये हम लोगों का NC है, और ये हम लोगों का NO है। तो आप लोगों को देखिए कनेक्शंस कैसे करने हैं। आप लोग NO से एक वायर निकालेंगे, और इस वायर को हम लोग अपने AC बल्ब में देंगे, और AC बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो हम लोगों का AC सोर्स में जाएगा, और AC सोर्स का जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको हम लोग बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हम लोगों के कनेक्शंस हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। ADC की वर्किंग और इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं इससे पहले 2 से 3 वीडियोस
बना चुका हूं और उन वीडियोस में मैंने चीजों को बहुत इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रोग्राम समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आई रिक्वेस्ट यू आप प्रीवियस जो 2 से 3 वीडियोज हैं उनको जरूर देख लें। फिलहाल हम लोग लाइन बाय लाइन इस कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर avr/io.h जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों का मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो pb1 है उसको एज अ आउटपुट डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने रिले को कनेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया हुआ है a1 नाम से, और ये अनसाइंड इन टाइप का है। ये बेसिकली हमारी जो ADC रिजल्ट है उसको होल्ड करेगा। इसके बाद हम लोगों का काम होता है अपने ADC को इनेबल करना। तो ADC इनेबल करने के लिए हम लोग इस बिट को 1 देंगे, और इसके बाद आप लोगों का काम होता है अपना प्री स्केलर सेट करना। प्री स्केलर मैं यहाँ पर 128 लेने वाला हूँ, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इन तीनों बिट्स को हाई कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने अपने रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर ABCC को ही एज ए रेफरेंस वोल्टेज सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने जो ये वाली बिट है इसको 1 कर दिया। नेक्स्ट आप लोगों का काम होता है अपना जो चैनल है उसको सेलेक्ट करना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ADC नंबर 1 जो चैनल होता है इसको यूज करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर इसको कोड किया है। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप लगाया है, क्योंकि आप बार बार एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। तो इस इनफाइनाइट लूप के अंदर आप लोगों को सबसे पहले अपना जो ADC है उसके कन्वर्जन को स्टार्ट करना होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने ये जो बिट है इसको सेट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग जब तक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहीं पर वेट करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक ये कंडीशन लगाई हुई है। जब तक हम लोगों की ये कंडीशन सही रहेगी, मतलब ADSC जब तक आपका 1 रहेगा तब तक हमारा प्रोग्राम यहीं पर वेट करेगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम लोगों की नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो A1 वेरिएबल हम लोगों ने लिया था उसमें ADC डेटा रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर अपनी कंडीशंस लगाएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पर लगा रहा हूँ, अगर हम लोगों के A1 की वैल्यू <3 होगी, मतलब अगर आप लोगों का LDR जो है वो 1.47 वोल्ट से कम वैल्यू देगा तो उस कंडीशन में आप लोग अपने रिले को ऑन कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर आपकी A1 की वैल्यू 300 से ग्रेटर है तो आप लोग अपने जो रिले है उसको ऑफ कर देंगे। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम लोग इसको यहां से बिल्ट कर लेते हैं। यहां पर बिल्ट हो चुका है सक्सेसफुली ये, तो इसके बाद हम लोग इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहां पर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में अपने इस प्रोग्राम को डालते हैं, और इसके बाद एनिमेशन को हम लोग यहां से प्ले करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर इनिशियली जो वैल्यू है 4.17 है, मतलब कि एकदम ज्यादा इंटेंसिटी यहां पर आप लोगों के LDR में पड़ रही है। अब जैसे जैसे आप लोग ये टॉर्च को दूर करेंगे वैसे वैसे आप लोगों की जो वैल्यूज हैं वो कम होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की 1.67 के आसपास आ गई। इसके बाद अगर हम फिर से वैल्यू को कम करें, मतलब कि ADC में अगर वैल्यू 300 से कम स्टोर होगी तो आप लोगों का जो ये रिले है वो यहाँ से इधर स्विच हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर एक और माइनस किया यहाँ पर आपकी वोल्टेज जो है 0.83 वोल्ट यहाँ पर जनरेट हो रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों का जो ये स्विच है वो देखिए इधर स्विच हो गया, और जैसे ही आप लोगों का इधर स्विच होगा आपका ये बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और अगेन अगर आप लोग इसको प्लस करते हैं तो आप लोगों का ये जो स्विच है अगेन NC में आ गया। तो ये हम लोगों के इस प्रोजेक्ट का सिमुलेशन है। इसके बाद हम लोग इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। कंट्रोलर को मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर चुका हूं, एक बार कनेक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने LDR के VCC को VCC से कनेक्ट किया है, इसके ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और इसका जो आउटपुट है उसको हम लोगों ने PC1 के साथ यहां पर कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम लोग यहां पर ADC चैनल 1 को यूज करने वाले हैं जो कि आप लोगों का PC1 में होता है। और इसके बाद हम लोगों ने यहां पर रिले जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है, रिले के VCC और ग्राउंड टर्मिनल को हम लोगों ने VCC और ग्राउंड दिया हुआ है, और इसकी जो कंट्रोल सिग्नल हम लोग देते हैं वो हम लोग यहाँ पर PB1 से दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने यहां पर अपने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है,
यहाँ पर से हम लोगों की एसी सप्लाई आ रही है और बल्ब के जो ये वायर्स हैं इसको हम लोगों ने रिले के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अभी नॉर्मल कंडीशन में जिस समय हम लोगों की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी उस समय हम लोगों का ये जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा, और जैसे ही हम लोगों की यहाँ पर इंटेंसिटी कम होती है, देखिए इसको मैं यहाँ से कवर करता हूँ, तो जैसे ही आप लोगों की इंटेंसिटी 300 से कम होगी वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर ये बल्ब ऑन हो गया। अब अगेन अगर मैं यहाँ से हाथ हटाता हूँ तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी और वैल्यू जो है वो 300 से ऊपर हो जाएगी, तो आप लोगों का जो है बल्ब है ये ऑफ हो जाएगा। अगेन हम करके देख लेते हैं, तो ये हम लोगों का आज का प्रोजेक्ट था। यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है, अगर इसको आप लोग रूम में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों ने जो ये सेंसर है इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहां पर आप लोगों के इस बल्ब का कोई भी इम्पैक्ट हमारे इस एलडीआर पे ना पड़े। और सेकेंडली, फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर एक बल्ब को कंट्रोल किया है, तो एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिजिटल टाइप के सेंसर को भी यूज कर सकते थे, क्योंकि डिजिटल टाइप सेंसर होता क्या है, बेसिकली एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर वैल्यू जाए तो 1 देता है, उससे नीचे जाए तो 0 देता है। तो यहां पर हम लोगों ने वही चीज की हुई है। बट अगर आप लोग एक से ज्यादा लाइट्स को कंट्रोल करना चाहें तो वो चीज आपके डिजिटल टाइप के सेंसर में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको एडीसी से करके देखा। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम लोग 2 से ज्यादा लाइट्स को कंट्रोल करेंगे। मेरे पास फिलहाल यहाँ पर 2 से ज्यादा बल्ब नहीं है, तो इसके लिए मैं इस चीज को आप लोगों को एलईडीज में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो देख लेते हैं मल्टीपल बल्ब्स के लिए अपने कोड को। फिलहाल मैं यहाँ पर पुराने कोड में ही कुछ चेंजेस करने वाला हूं। अभी तक हम लोग सिर्फ एक रिले को कंट्रोल कर रहे थे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 एलईडीज को ऑन करवाने वाले हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों की यहाँ पर बिट्स होंगी PB1, PB2, PB3 और PB4, आप लोगों ने उनको हाई करना है, तो यहाँ पर वो चेंजेस मैं कर लेता हूँ। इसके बाद बाकी कोड हमारा सेम रहेगा, जो कंडीशन वाला हमारा पोर्शन था उसको हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो मैं ये जो लाइन्स हैं इनको कमेंट कर देता हूँ। और इसके बाद जो नई कंडीशंस हैं उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर हम लोगों की A1 की वैल्यू 100 से कम होगी तो उस कंडीशन में हम लोगों की जो चारों एलईडीज हैं वो ऑन होंगी, और अगर A1 की वैल्यू 100 से 250 के बीच में होगी तो हमारे 3 एलईडीज ऑन होंगी, अगर वैल्यू 250 से 500 के बीच में होंगी तो हम लोगों की 2 एलईडीज ऑन होंगी। सिमिलरली अगर वैल्यू 500 से 750 के बीच में हुई तो आपकी सिर्फ एक एलईडी ऑन होगी, और अगर इंटेंसिटी 750 से ज्यादा होगी तो आप लोगों की कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी। तो इसके बाद इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं, और बिल्ड करने के बाद हम लोग इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहां पर जब इंटेंसिटी एकदम ज्यादा है तो उस कंडीशन में कोई भी एलईडी हमारी ऑन नहीं हो रही है। अब हम लोग यहां पर इंटेंसिटी वेरी करके देखते हैं, तो जैसे ही आपकी इंटेंसिटी कम होगी आपकी पहली एलईडी ऑन हो गई। इंटेंसिटी हम और कम करके देखते हैं तो हमारी पहली और दूसरी एलईडी ऑन हो गई। अगेन और कम इसको करते हैं तो तीसरी भी आपकी ऑन हो गई, और जब एकदम ज्यादा इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो हम लोगों की चारों एलईडीज ऑन हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।